दोस्तों, मैं बिरजू कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने YouTube चैनल में टिप स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आप लोग जो है पहले अटेम्प्ट में ग्रुप डी कैसे क्रैक करिएगा और क्या क्या गलती जो है आप लोगों को नहीं करनी है जिससे कि जो आपका रिजल्ट होने से रह जाए, उसी सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा क्योंकि सही पार्ट जो है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर इसी तरह का वीडियो रोजाना आप लोगों को देखने को मिलता है। तो बात कर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि दोस्तों, आप लोग SSC GD की तैयारी कर रही है या रेलवे ग्रुप डी या फिजिक्स स्पेशल, तो धुरियाना पर जो है SK झा सर का जो है ऑफर चल रहा है अभी, बहुत ही अच्छा ऑफर है जो कि आपको SSC GD के 399 और रेलवे के 99 और फिजिक्स स्पेशल ग्रुप डी का 99 में मिल जाएगा। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यह ऑफर जो है 6 सितंबर रात 12 बजे तक का है, तो आप लोग जरूर परचेज करें। पहली बार में ग्रुप डी कैसे क्रैक करिएगा, और देख क्रैक करने के लिए आपको नंबर अच्छा लाना पड़ेगा। नंबर तभी अच्छा आएगा जब आप पढ़िएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आजकल हम ये देखते हैं, हम जिस टाइम तैयारी करते थे जो 2017 में, तो 2017 से हमने स्टार्ट किया था, उस टाइम मेरे पास मोबाइल ही नहीं थे, एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं था। अब तो देखिए, अब 10th का 8th का बच्चा, 10th का 9th का जो है सभी का ऑनलाइन पढ़ाई के वजह से जो है सभी के पास अब एंड्रॉयड मोबाइल है। तो आप लोग जो है मोबाइल का सदुपयोग करिए और कम से कम कोशिश करिए, बहुत कम जो है, मतलब जितना कम हो उतना कम मोबाइल का उपयोग करिए। कहने का मतलब होगा कि जो आप देखिए अभी जो चलन है कि सुबह सुबह लोग उठता है और सबसे पहले जो है मोबाइल देखता है, उससे जो दो चीज़ आपको हानि होगा, पहला तो आपका जो है आँख पर बुरा प्रभाव पड़ेगा उसका, और उसके बाद जो है आप अगर इसकी मतलब तैयारी करते हैं तो आप तैयारी नहीं करिएगा और आपका टाइम बर्बाद होगा। और देखिए, दिन का जो है सुबह जब ख़राब चल जाता है तो आपका दिन जो है पूरा दिन जो है ख़राब ही जाएगा। तो देखिए, सुबह में जैसे उठता है लोग और उसके बाद मोबाइल चलाने लगता है, देखिए माइंड तो आपका एक ही है, अगर उस पर ज़्यादा ये मतलब आप इतना कंट्रोल करके रखिए कि जो मुझे सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने के सिवा किसी और के चीज़ के बारे में सोचना नहीं है। अब लोग मोबाइल ले लेते हैं और सुबह में माना 5-10 मिनट का करंट अफेयर्स डेली का रहता है वो देख लेते हैं, और उसके बाद जो है जितना भी रहता है आप यूट्यूब पर खोलिएगा, तरह तरह की चीज़ें आते रहते हैं, थोड़ा क्लिक कर दिया थोड़ा क्लिक कर दिया। हम अपनी भी बातें बता रहा हूँ, हम भी हमारे पास भी मोबाइल है तो थोड़ा बहुत मैं भी ये ऐसा गलती करता हूँ, लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक बार अगर आप क्लिक करिएगा तो ऐसा ऐसा चीज़ आते रहता है जो बार बार जो है आप क्लिक करिएगा और धीरे 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 2-3 घंटा जो है आपका इसी तरह में चल जाएगा। तो आपने पढ़ाई कितना की, 10 से 15 मिनट, लेकिन आपका जो है वो चला गया 2.5 से 3 घंटा। और 2.5 से 3 घंटा कब का समय गया, एकदम गोल्डन समय गया, सुबह का समय गया, आपको पढ़ने वाला समय गया। चलिए, आप रोजाना करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो छोड़ दीजिए, सुबह करंट अफेयर्स नहीं पढ़िए, मोबाइल से तो भाग नहीं जाएगा ना, यूट्यूब पर तो वो रहेगा ही रहेगा। आप अगर ऑनलाइन पढ़ते हैं जैसे कि लाइव चल रहा है, तो लाइव के लिए जो है आप ऐसा कंट्रोल अपने आप में बनाइए। देखिए, कंट्रोल तो आपको बनाना ही पड़ेगा, रिजल्ट लाना है भैया, नौकरी अगर भैया आपको लेना है तो कंट्रोल बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो आप लाइव देख लीजिए और उसके बाद मोबाइल को सीधे रख दीजिए, मोबाइल से सुबह में यूज़ ही नहीं करना है। जब मोबाइल से मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत होगी तो मॉक टेस्ट सुबह सुबह तो आप लगाइएगा नहीं, दोपहर में लगाइए या शाम में लगाइए। आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट का सही समय जो है दोपहर का समय एकदम बेस्ट समय है। तो सुबह सुबह जो है सबसे पहले मोबाइल से दूरी बनाइए, जितना दूरी उससे रहिएगा उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। 100 हम बोले 99% जो है मोबाइल का गलत यूज़ करते हैं और ज़्यादा बर्बाद टाइम उसमें करते हैं। तो सुबह में जो है सबसे पहले ये आदत आप में सुधरनी चाहिए कि आप मोबाइल न देखें। और हाँ, देखिए, आप मोबाइल देखते हैं पहले व्हाट्सअप खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, तो तरह तरह की चीज़ों आपके जो है व्हाट्सअप पर फेसबुक पर आया रहता है। तो जब आप उसको देखते हैं तो आपके दिमाग में क्लिक बैट होता है, वही चीज़ बार बार क्लिक होते रहता है, उसके बारे में ही सोचेगा, है ना। तो आपका ये हो गया कि 100% जो है, देखिए सुबह रात में अगर आप सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो आपका जो है माइंड पूरा तरह क्लियर रहता है, और सुबह उठते उठते कचरा भर दीजिएगा तो फिर भर दिन वैसे ही भरल रहेगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो सुबह सुबह मतलब पढ़ाई पे ही फोकस करिए, पूरा एकदम शांत वातावरण रहता है सुबह का,
और उसके बाद जो है आपका दिमाग भी पूरा एकदम क्लियर रहता है। और सुबह सुबह उठते ही आप जो है मोबाइल देखिएगा, तरह तरह की चीज़ें देखिएगा, तो भर दिन वही चीज़ आपके दिमाग में एक्टिविटी चलते रहेगा। और आप पढ़िएगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, और कोई भी चीज़ पढ़िएगा तो सही से याद नहीं होगा, और ज़्यादा देर तक आप पढ़ भी नहीं पाइएगा, और उसी चीज़ों के बारे में सोचते रहेगा। तो पहली आपकी ये कमजोरी, आप हम जानते हैं कि आप जितना भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उसमें से 99% लोग का ये कमजोरी है, और ये गलती वो करते हैं जिनके पास अगर मोबाइल हो, मोबाइल है तभी तो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और ये आप गलती करते हैं। ये गलती आप करना छोड़ दीजिए प्लीज़, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। मोबाइल से कितना आप पढ़िएगा, मोबाइल से चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो एक घंटा में कितना ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, एक घंटा 50 को हम देखते हैं जितना भी सेट होता है, एक घंटा 50 को 40 को क्वेश्चन पढ़िएगा, आप 50 को 40 को पढ़ने क्वेश्चन पढ़ने के लिए एक घंटा दीजिएगा। आप लोगों के पास इतना समय नहीं है कि जो एक घंटा में 50 को क्वेश्चन पढ़िएगा ग्रुप डी आपका निकल जाएगा। मोबाइल से पढ़ने से आपका ग्रुप डी नहीं निकलेगा या कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। हाँ, सहारा लीजिए, मोबाइल का सहारा लीजिए, जो चीज़ बुक में नहीं है वो मोबाइल से पढ़िए, जो चीज़ मोबाइल में बुक में है वो मोबाइल से नहीं पढ़िए। लेकिन आप तो देखते हैं सब कुछ मोबाइल में रहता है, सब कुछ मोबाइल में पढ़ते रहता है, लेकिन पढ़ता कम है लोग, ज़्यादा इधर उधर पर ध्यान जाता है। तो सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी, तो इसे आप लोग ज़रूर दूर करें। और दूसरी चीज़ जो है दोस्तों, आप जो है पढ़िए और सिलेबस बेसिस के अनुसार पढ़िए, तभी जो है आपका रिजल्ट होगा। देखिए, कहने का मतलब होगा कि जो आपका जो सिलेबस पूछ रहा है, जैसे देखिए मैथ रीजनिंग जो है आपका 50 नंबर रहेगा, तो मैथ रीजनिंग पर आप ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, सभी वीडियो में लगभग बताता हूँ कि मैथ रीजनिंग जो है 100% स्कोर इसमें आपका आ सकता है, तो इसलिए जो है मैथ रीजनिंग पर आप लोग ज़्यादा फोकस करिए। और रह गई इधर 50 नंबर की, तो इसमें साइंस के क्वेश्चन आपके ज़्यादा रहेंगे, तो जो चीज़ मतलब ज़्यादा रहता है, और देखिए मैथ रीजनिंग और साइंस रटने से ज़्यादा समझने वाली चीज़ है, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं आप, रोज़ाना पढ़िए, मंथली पढ़िए, और उसके बाद जो है पहले तो रोज़ाना पढ़ लीजिए, उसके बाद रिवीजन के लिए मंथली पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है ईयरली पढ़ लीजिए। तो आपका करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज़ है कि एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं होगा, उसको तरह तरह तरीके से तरह तरह जो है कम से कम 3-4 बार पढ़ना होगा, तभी आपके दिमाग में वो रहेगा, नहीं तो वो पढ़िएगा एक बार उसके बाद वो खाली होकर समाप्त हो जाएगा। तो जो है इस तरह से आप अपने रूटीन बना के पढ़िए तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। रूटीन बना के पड़ेगा तो सभी सब्जेक्ट जो है उस पर फोकस रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जो छूटेगा नहीं। अब बात करते हैं कि जो बहुत लोग कमेंट करते हैं 30 नंबर आ रहा है, 40 नंबर आ रहा है, इस जोन में है और मेरा रिजल्ट होगा क्या? तो देखिए भैया, सीधी सीधी बात है, आपको बुरा लगे आई डोंट केयर, 30 नंबर से 40 नंबर से रिजल्ट नहीं होगा। 50 के अंदर आ रहा है तो आप नहीं समझिए, आपको बुरा लग रहा होगा, पर हम क्या कर सकते हैं, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। हम लोग बहुत लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत लड़का तैयारी कर रहे हैं, आग भेल है लड़का सब। आप लोग एग्जाम डेट के चक्कर में पड़े हुए हैं कि कब डेट निकलेगा, वो चुपचाप अपना पढ़ रहा है कि जब निकलेगा भाई अपना। देखिए, आप और हमारे बस की बात नहीं है कि हम एग्ज़ाम जो है डेट अपना कोशिश करेंगे, ट्यूटर कंपेन जो करते हैं हम करेंगे, लेकिन जब तक वहाँ से वो पूरी तरह से एग्ज़ाम लेने के लिए तैयार नहीं होगा वो डेट नहीं रिलीज करेगा, ये हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो एग्ज़ाम डेट की चिंता जो है आप लोग ज़्यादा नहीं करिए। चलिए, आप लोग हम समझ रहे हैं कि 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम नहीं ले रहा है, तो एग्ज़ाम डेट के बारे में तो आप लोग सोच ही रहे होंगे, लेकिन उससे जो है ज़्यादा आप लोग तैयारी पर भी फोकस करिए। क्योंकि जो लड़का जो है 2 साल पहले हम जिससे मिले थे, जिसका 30 नंबर आ रहा था, वो मेहनत कर रहा है तो उसका 70 आ रहा है, 75 आ रहा है, 80 आ रहा है मॉक टेस्ट में और प्रैक्टिस सेट में। तो आप लोग जो है 50 से कम वाले को जो है कम ही आशा है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मलाइजेशन फार्मूला भी इस बार चेंज हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन इस बार बहुत ज़्यादा नहीं, पिछले बार की अपेक्षा नहीं कि 45 नंबर आया 80 कर दिया, ऐसा नहीं होने वाला है ना। तो इस धोखे में नहीं रहिएगा कि जो है आपका नॉर्मलाइजेशन इतना हो जाएगा और आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो कम से कम तो आप इसे बाउंड्री लाइन ही समझ लीजिए, 50 बाउंड्री लाइन समझ लीजिए, 50 जब तक क्रॉस नहीं, आपका रॉ मार्क्स 50 नहीं आ रहा है, तो आप जॉब करने के काबिल ही नहीं है, आपका रिजल्ट नहीं होगा। आप सोच सकते हैं यार, यहाँ थोड़ी 10th है या 12th है या 8 है, जो 30% लाइएगा पास हो जाइएगा, ऐसा नहीं है यार। इसमें जॉब आपको मिलेगा, है ना, आपको सैलरी दी जाएगी, आपका लाइफ इसमें बन जाएगा, तो उसके लिए तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा ना। आप सोचिए कि जो एक साल अगर आप या
2 साल मेहनत किए हैं उससे आपकी लाइफ बन सकती है, तो वो मेहनत क्यों नहीं करेगा बंदा, क्यों नहीं करेगा। तो इसलिए जो है मेहनत करिए और ख़ुद को किसी न किसी तरह से मोटिवेट करते रहिए, अपनी फैमिली से बातें करते रहिए, उनकी जो है दिक्कतों जो है जानते रहिए, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको फ्रस्ट्रेट होइएगा, आपको ये मोटिवेशन, मेरे नज़रिए से देखिए आपको ये मोटिवेशन लेके, यार मेरी फैमिली में भी दिक्कत में है, चलिए हम पढ़ाई करते हैं तो अगर मैं मेरी जॉब लग जाएगी तो मेरी फैमिली की जो है स्थिति और कंडीशन जो है अच्छी हो जाएगी, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। इसको आप अगर गलत चीज़ों में लीजिएगा कि जो फैमिली की दिक्कत है और मैं इससे फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, तो वो आपकी प्रॉब्लम है भाई, उसको कोई नहीं सुधार सकता। कोई भी चीज़ को मोटिवेशन के तौर पे लीजिए तो आपको जो है जीवन में, आप जीवन में काफ़ी आगे तक जाइएगा और ये आपके जो है जीवन में सफलता का जो है ये एक रहस्य भी है कि कोई भी चीज़ को आप इन अ पॉजिटिव वे में और मोटिवेशन के तौर पर लीजिए तो आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो दबाकर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।